कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को 7 किसान नेताओं से मुलाकात की। संसद में राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद देश भर से किसान नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आया। बैठक में सांसद केसी वेणुगोपाल, राजा बराड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा, गुरजीत सिंह औजाला, धर्मवीर गांधी, डॉक्टर अमर सिंह, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जयप्रकाश मौजूद थे। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र में कानूनी गारंटी के साथ MSP का जिक्र किया है। हमने आकलन किया है कि इसे लागू किया जा सकता है। अभी हमारी एक बैठक हुई है जिसमें यह तय हुआ है कि हम इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं से बात करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, देश के किसानों को MSP की गारंटी दी जा सके। गांधी जी से मिलने आए थे तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो MSP लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी राहुल गांधी जी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी से हमारी हुई है। जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे, प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए। और उन्होंने ये भी हमारे साथ MSP में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, MSP लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद।